नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीएल कुमार, बीएल के एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन सॉल्व करते हैं कि जेआरएफ 2021 में एग्रोनॉमी का पेपर कैसा रहा। आईसीएआर के द्वारा जो कंडक्ट किया गया 2021 के दौरान, इसके आंसर की को लेकर अपन सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन है, ताकि इसके रेफरेंस पर अपन फ्यूचर में आने वाले फॉर्थकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करें। जेआरएफ एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट आईसीएआर के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो कुछ कितने परसेंटेज में होते हैं, टफ क्वेश्चन कितने होते हैं, न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं। तो आप पेपर के हर क्वेश्चन पे थोड़ा सा बारीकी से जज कीजिएगा। और अगली बात और बता देता हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ रेफरेंस बुक से ही आते हैं, मेरे अपने को सिंपल वे में उसके आंसर नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ रेफरेंस बुक फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले अपन कुछ सिंपल क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर देख रहे हैं अपन कि हाउ मच फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स। लंबे दिवस वाले पौधे के लिए कितने दिन का सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो एटलीस्ट 14 आवर्स का चाहिए, ग्रेटर देन 14 आवर्स चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ बोरो ओस राइस इज कैरिड आउट ड्यूरिंग, बोरो और ओस राइस का हार्वेस्टिंग राइस क्या है। तो अपन एक ट्रिक से याद करना है इसको, कोई भी आगे पीछे इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। ओस अमन बोरो मजनू सनम। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं तो जो मजनू सनम मई मार्च के अंदर जो इसका कटिंग होगी और नवंबर में इसकी सोइंग होती है बोरो राइस की, तो मार्च अप्रैल में इसकी तो समर सीजन आ गया और ओस की जो है जो सितंबर के अंदर हार्वेस्टिंग होती है तो खरीफ सीजन आ गया। ठीक है, तो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे ट्रिक बना बना के एग्रोनॉमी याद रखिए तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना होगी। क्वेश्चन इज वेरी इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसका ऑप्शन आपको हमेशा ले बैठता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये एडवाइज है कि आप अपने क्वेश्चन के साथ साथ अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर रिक्वायरमेंट। जल मांग के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है फसल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे कम कौन से फसल का, या करेक्ट ऑर्डर कौन सा है जल मांग के हिसाब से। तो पहले देखिए राइस, फिर कॉटन, मक्का, वीट और पी। दूसरा आंसर देखते हैं अपन, राइस, मक्का, मक्के की कम होती है, कॉटन की ज़्यादा होती है, पी की कम होती है और गेहूँ की ज़्यादा होती है, तो इनकरेक्ट हो गया। राइस, पी, मैज, पी की कम होती है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर राइस, कॉटन, मैज, पी, मैज और पी दोनों की गेहूँ से गेहूँ की अधिक होती थी, भी इनकरेक्ट हो गया। तो पहला अपना है राइस, फिर कॉटन, कॉटन की 800 mm तक होती है, मक्के की 600 तक होती है, गेहूँ की 400 से 600 के बीच होती है और पी की 300 से 400 mm होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ लोडिस। लोडिस एक नया जो है हर्बिसाइड्स है जो अभी मक्का में पोस्ट इमरजेंस के लिए इसी साल बायर कंपनी ने लागू किया है और इसकी डोज 120 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए लगती है। ठीक है, सिमाजिन नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट है ये हर्बिसाइड। तो इन्होंने पूछा कि 34.4 एससी सोल्यूबल कंसंट्रेशन फॉर 6000 मीटर स्क्वायर मैच प्लॉट इफ द रेट ऑफ टेम्बोट्राइन एप्लीकेशन। टेम्बोट्राइन यहाँ पे नेम दे दिया है, यहाँ पे ट्रेड नेम दे दिया, इसलिए कंफ्यूज ना होने का कई बार। बट इन्होंने गलती क्या की कि आपको अमाउंट निकालनी होती है तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट डोज देना चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है एनटीए के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर ये इनको डोज चाहिए होती ना तो डोज में इनको एक्टिव इंग्रेडिएंट या एसिड इक्विवेलेंट की मात्रा देनी होती है, तो फिर उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसे सॉल्व कर सकते हैं अपन कि अमाउंट ऑफ एआई ओवर परसेंट कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के कॉमर्शियल डोज अपन निकाल सकते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में? ये 2001 में लॉन्च हुआ है, ये करेक्ट है, बट 95 कंट्रीज ने इसमें इन्वॉल्व हुए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो आप इसके जो आंसर है वो सारे गलत है, इवन दैट इसलिए इसको भी एनटीए ने इसको
दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्लोरोसिस मेनली बिटवीन वेंस विच रिमेन ग्रीन। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ क्लोरोसिस मेनली बिटवीन वेंस, राइट। अनदर, आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज इंट्रावेनाइल क्लोरोसिस विच वॉज फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीव्स विथ डिस्टिंक्ट ग्रीन वेंस, राइट। आयरन कॉजेज इंटरनल क्लोरोसिस करता है, डिस्टिंक्ट यानी कुछ कुछ जो वेंस होती है वो ग्रीन होती है आयरन में पुराने पत्तियों के ऊपर, ठीक है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेज ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट इन पी एंड पी स्पेक ऑफ ओट, ग्रे स्पेक ऑफ वी ओट, ये भी राइट है। ग्रे स्पेक रोग होता है इसमें, ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट हो जाता है। अगला, बोरॉन डेफिशिएंसी सो ब्राउनिश और रेडिश यंग लीव्स, भूरेपन की लाल की लाल पत्तियां हो जाती है। ग्रोइंग पॉइंट ऑफ शूट एंड रूट्स डाई, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ शूट एंड रूट डाइस बोरोन और कैल्शियम दोनों से होता है। तो इसमें चारों लाइन राइट है, पहली भी राइट है, दूसरी भी राइट है, तीसरी भी राइट है, चौथी भी राइट है, बट इसका ऑप्शन में चारों नहीं दिए थे इसलिए इस क्वेश्चन को हटाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि गिवन बिलो द टू स्टेट, वन इज लेबल्ड एज असर्टेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। पहला कोई एक कारण है, दूसरा उस कारण की व्याख्या करता है। पहला एक कारण है कि एन इन ए टिपिकल वाटर साइड प्रोजेक्ट द डेवलपमेंट इज स्टार्टेड एट द टॉप ऑफ ड्रेनेज बेसिन एंड प्रोसेस डाउन द स्लोप टू लो लैंड्स। ये कह रहा है कि कोई भी वाटर साइड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या उसको जहाँ से पानी आता है वहाँ पे टॉप उस जगह पे बना जाए ताकि आगे आने वाली जो प्रोसेस डाउन द स्लोप्स टू अवार्ड्स, ताकि आगे आने वाली जो स्लोप्स है उस पर पानी का जो फ्लो है वो कम रहे। फिर अगला पूछा इन्होंने, अपर रिस्ट रिचेज इन द वाटर सेट्स आर ऑक्यूपाइड मोस्टली बाय द फॉरेस्ट विच आर ओपन डिग्रेडेड एंड मोस्ट इन नीड ऑफ रिपेयर, आल्सो ट्रीटिंग अपर पार्ट्स ऑफ बेसिन रिड्यूस रन ऑफ दस द प्रोटेक्ट लोअर लैंड्स। कि अगर आपने ऊपर की मिट्टी, ऊपर जगह जहाँ पे बेसिन का फास्ट स्लोप है वहाँ पर आपने उसको रिपेयर ट्रीट किया है, रिड्यूसिंग द रन ऑफ के लिए आपने कुछ किया है, तो क्या वो नीचे की जमीन के सुरक्षित रखेगा इरोजन से? तो राइट, हाँ। तो बोथ आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए राइट, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चंस के कारण को और उसके रीजन को पढ़ना है, और ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इसके लिए रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे, स्पेशली प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रेडी, ओनली एस आर रेडी, उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट द बेसिक रेस ऑफ सोरगम, बाइकलर और कॉफिर डूरा और बाइकलर गिनियन डूरा, ये तीनों इसकी रेसेस है। गेमिनोथेरा एंड हेटेरोस्टार्च इसकी रेस नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर आएगा। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वाटर फ्लो इन पाइप्स, पाइप के अंदर कौन से यंत्र की हेल्प से पानी को नापा जाता है, तो इसका आंसर आपके पास वेंचुरी में। अगला बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और आता है भी रहता है ऐसे छोटे छोटे। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, मूंग का विग्ना रेडिएटा है, विग्ना मूंगो ब्लैक ग्राम का है, और ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का है, सोयाबीन और साइनेसिस इसका है। अगला क्वेश्चन, टेम्बोट्राइन हैज रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर इट्स यूज इन मैच, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था। टेम्बोट्राइन अभी बायर कंपनी ने एक हर्बिसाइड लॉन्च किया है जो पोस्ट इमरजेंस के लिए सप्लाई के अप्लाई किया जाता है। 120 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी डोज है और सभी तरह के खरपतवार को मारने का काम करता है, और मक्के के अंदर ये इंडिया में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपन कि दिस सिनर्जेटिक पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आर ड्यू टू दी बेटर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, राइट। हायर रूट ग्रोथ, सप्लाई ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रेंट, यस, बट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर अपॉर्चुनिटी सपोर्टिंग क्रॉप्स विद द न्यूट्रेंट्स एज एंड वेन नीडेड, एज एंड वेन नीडेड फॉर स्पेसिफिक फील्ड इन द पर्टिकुलर क्रॉपिंग सीजन और क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें ये पहली लाइन तो ये कहना चाह रहा है कि भाई इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो उससे ज़्यादा पोषक तत्व तो मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी की जो भौतिक स्थिति उच्च अच्छी ग्रोथ होती है हाई जड़ों की, और द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की सप्लाई भी अच्छी होने के कारण।
फिर ये बोलते हैं कि SSNM में एक जो मुख्य प्रिंसिपल है वो एज एंड वेन नीडेड, मतलब जब जैसी आवश्यकता उसके अनुसार पोषक तत्व मिलना, ये भी इसका राइट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, ठीक है। ए एंड आर इज द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, राइट, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स कन्फ्यूजन नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए एक बार अपने क्वेश्चंस पे आप अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है अपने पास एक कि बायो कंट्रोल एजेंट किस किस के लिए, किस किस के। तो पार्थेनियम का जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो कैसिया तोरा है, जिसको सीमा कोफी नाम से इस वीड को जाना जाता है। और ये वीड है जो पार्थेनियम के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव रहता है और खरीफ सीजन में ज़्यादा ही उगता है। लेंटाना कैमरा का टेलियोनीमा स्कोरपुलोसा है, और ओरोबंकी का जो है अपने पास वो है फाइटो माइजा और कुस्कुटा का कोलेक्टोट्राइगम। लेकिन इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि कोलेक्टोट्राइगम ग्लाइरोसिड्स है जो वो कुस्कुटा को कंट्रोल नहीं करता है, इसके कारण एनटीए ने इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। बाकी ये तीनों राइट है आपके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से कंफ्यूज ना होने का, आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए कि ए सरफेस इरीगेशन इवेंट इज कंपोस्ट ऑफ फोर फेज, नेमली एडवांस फेज, स्टोरेज फेज, डिप्लेशन फेज, रिसेशन फेज। फिर आगे पूछते हैं इन रिसेशन फेज ऑफ सरफेस इरिगेशन द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड टू एनी पॉइंट इन द फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, टाइम, लेंथ लेंथ ऑफ टाइम विच वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सॉइल सरफेस। तो इसमें क्या बोला है कि सरफेस इरिगेशन की चार होती है, लेकिन रिसेशन मेथड में वाटर एनी पॉइंट इन द फील्ड, फंक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम विच इज वाटर प्रेजेंट इन द सोइल। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों ही सही है आप। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं मैच द फेयर में। आप सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीड प्रोडक्शन कौन कौन सा वीड कितनी अमाउंट में करता है। तो ओरोबंकी है वो 50,000 सीड्स प्रोड्यूस करता है, और सेकंड में है आपका एविना लुडोविसिनिया है जो आपका अविना लुडोसिविनिया है जो आपका 500 सीड्स प्रोड्यूस करता है, स्ट्राइगा 50 सीड प्रोड्यूस करता है, और आपका जो ये वर्नोसिया हार्डोनिफोलिया है वो 5 लाख सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हर्बिसाइड के सीड प्रोडक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा वीड कितनी मात्रा में सीड प्रोड्यूस करता है, कई बार इनका टेस्ट वेट पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्रे नंबर वन रिएजेंट कंसिस्ट ए मिक्सर ऑफ, ब्रे का जो फास्फोरस निकालने के लिए करते हैं उसमें आपका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, 0.03 N NH4F प्लस 0.025 N HCl, ये उसका करेक्ट कंसंट्रेशन होता है। अगला द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स कैन बी मेजर्ड एज आयोडीन नंबर, आयोडीन नंबर से अनसेचुरेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स को आयोडीन नंबर से अपन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास इसको पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको लैंगुबिनाइट, LNGBEINIT लैंगुबिनाइट। आप सब जानते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटास को पोटेशियम क्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास पहले HCl से बनता था, HCl को म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता था, म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता था, इसी कारण HCl MUP को HCl बोलते हैं। अगला नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फियर, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन कंटेंट होता है। लाइमिंग ऑफ एसिड सोयल विथ लाइम स्ट्रॉ एंड बेसिक स्लैग हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम Al3+, इंक्रीजिंग pH ऑफ सोइल टू ए डिजायर्ड लेवल। नेक्स्ट वन इज ओवर लाइमिंग ऑफ एसिड सोइल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोइल न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, पर्टिकुलर ऑफ द माइक्रो न्यूट्रेंट एच जिंक FeMnCu एंड क्रॉप ग्रोथ। बोथ आर द राइट, ठीक है, बोथ आर द राइट करेक्ट आंसर। लाइमिंग करोगे आप तो हेल्प करेगा न्यूट्रलाइज करने में, राइट, एल्यूमिनियम और इंक्रीज pH करेगा एज डिजायर्ड लेवल, ठीक है। फिर लेकिन ओवर लाइमिंग करोगे तो आप ये पोषक तत्व की कमी पर एडवर्स इफेक्ट आएगा, आल्सो प्लांट ग्रोथ पे भी इफेक्ट आएगा।
अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट शॉर्टर साइकिल इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन इन टू द सॉयल देन एज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन बैक टू द एटमोसफियर इज कॉल्ड ब्लू वाटर। द फर्स्ट शॉर्टर साइकिल ऑफ प्रिसिपिटेशन इन टू द सॉयल दैट इवेपोरेशन बैक टू द एटमोसफियर इज कॉल्ड ब्लू वाटर। द सेकेंड साइकिल और ग्रीन वाटर फॉलो द लॉन्गर पाथ फ्रॉम प्रिसिपिटेशन थ्रू सॉयल मॉइस्चर ग्राउंड वाटर एंड रिवर टू द सॉयल। ये आपका ग्रीन वाटर कहलाता है, ठीक है। तो बोथ आर द राइट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द राइट। तो आपको मैं और बता देता हूँ दोस्तों, हर बार नेट और इसमें ब्लू वाटर ग्रीन वाटर और ग्रीन वाटर ब्लू वाटर ग्रे वाटर इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, तो वाटर फुटप्रिंट को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स कैन टॉलरेंट ड्रॉट आइदर बाय मिटिगेटिंग द एक्चुअल स्ट्रेस और बाय शोइंग ए हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस टू स्ट्रेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स टॉलरेंट द स्ट्रेस बाय शोइंग रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन और बाय प्रिवेंशन ऑफ लीफ कोलैप्स परमिट द प्लांट्स टू मेंटेन ए हाई इंटरनल वाटर पोटेंशियल इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट कंडीशन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ए ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज द फेल्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए कि कैन प्लांट है जो टॉलरेंट रहता है या तो एक्चुअल स्ट्रेस को मिटिकेट करता है या हाई डिग्री का टॉलरेंस होता है, ठीक है। और लेकिन डिहाइड्रेशन और प्रिवेंटिंग लीफ कोलैप्स से कोई भी टॉलरेंस नहीं हो पाता है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि ए फॉर्मुलेशन ऑफ हर्बिसाइड जनरली नॉन डाइल्यूटेड एंड सप्लाइड रेडी टू यूज। डाइल्यूट कौन सा नहीं होता है, वेटेबल पाउडर जो फॉर्म होती है WP फॉर्म, वो पानी में घुलनशील नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन होती है उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्लासिफाइड करते हैं। अगला प्रश्न अपना, डोमिनेंट क्ले प्रेजेंट इन रेड सॉइल लेटराइट सॉइल में केवलिनाइट क्ले होता है। आंख बंद करके स्टार्ट राइट करना है। DPAP एक प्रोग्राम में से क्वेश्चन आता है, एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने प्रोग्राम है सबके ईयर और स्टार्ट करने वाले फाउंडर का नाम याद रखें। ट्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1960 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इसको वैसे हटा दिया है लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अपन इसको। बाय विच प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए पार्सल ऑफ एयर कैन बी इंक्रीज। इन्होंने लिखा हुआ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक नेचुरल होती है, सबसे पहले उसको घटाना बढ़ाना अपने बस की बात नहीं है। फिर इन्होंने ऑप्शन दिया, एडिंग ड्राई एयर फ्रॉम आउटसाइड, एडिंग मॉइस्चर फ्रॉम आउटसाइड, डिक्रीजिंग इट्स रेडिएशन, इंक्रीजिंग विंड स्पीड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये कुछ नहीं होता है। लास्ट का अगर इसका आंसर नॉन ऑफ दीज आता तो अपना करेक्ट था। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड CO2 टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोथ आर द फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा एंड रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड टू CO2 फॉर एनर्जी ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने और कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगला, RGR इज इक्वल टू RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन से हमेशा आता था, ANAR इंटू LAR के अकॉर्डिंग होता है। दोनों को गुणा करने पर RGR अपना निकल सकता है, ठीक है। डिस्टिलरी इफ्लुएंट आल्सो नोन एज स्पेंट वास इज ए न्यूट्रेंट रिच मटेरियल कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द सॉयल और एज ए इरीगेशन। जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है उसको आप क्रॉप प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हो, तो आप या तो पानी के साथ मिलाइए या फिर डायरेक्ट सॉयल के अंदर मिलाइए। अगला प्रश्न है आपके पास, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है कि हर्बिसाइड और उसकी रेट ऑफ एप्लीकेशन कितनी है। तो सबसे पहले मैं मेटाक्लोर की देखूंगा, तो मेटाक्लोर की 1500 ग्राम पर हेक्टेयर है। फिर अपने पास टर्बोट्राइन है तो उसकी मात्रा है 120 ग्राम पर हेक्टेयर। और फिर अपने पास ऑक्सीफ्लोरफेन है तो उसकी मात्रा है 150 टू 200 ग्राम। और पायरोजो सल्फोरिन इथाइलिन की जो मात्रा है 20 ग्राम। तो आप इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ोगे आपके आंसर सेल्फ क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एसिड सल्फेट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द जेरोसाइट।
अनदर एसिड सल्फेट सोयल इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट. मीन्स जेरोसाइट से नहीं होता एसिड सोयल, जो पेरेंट रॉक होती है एसिडिक होती है, एसिड सल्फेट सोयल उससे होता, पायरॉइड्स की वजह से होता और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये जरूर राइट है. अगला प्रश्न है कि व्हेन रेनफॉल इज इनएडक्वेट, मतलब अच्छी मात्रा में बारिश नहीं, टू मीट द ईटी इवपोट्रांसपिरेशन लॉसेस यूजुअली ऑकर्स इन ह्यूमिड रीजन. अगर ह्यूमिड रीजन के अंदर बारिश अच्छी मात्रा में नहीं हुई जितना मात्रा में इवपोट्रांसपिरेशन होता तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के नाम से जाना जाता है. अगला प्रश्न है मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस क्रॉप आर. राइस क्रॉप के लिए मिनिमम मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर. अगला क्वेश्चन अपना स्टेटमेंट रहता है सेकंड कि मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ वीट क्रॉप. मिनिमम ऑप्टिमम और मैक्सिमम इज रेस्पेक्टिवली जर्मिनेशन के लिए पूछा इन्होंने, तो बहुत स्टेटमेंट आर द ट्रू, क्योंकि आपका जो वीट का जो जर्मिनेशन है वीट क्रॉप का, उसके लिए मिनिमम 4.5 डिग्री से बेस टेम्परेचर हो जाता है, ऑप्टिमम 20 से 25, राइस को 30 से 32 टेम्परेचर चाहिए. और ये क्वेश्चन जो है ना कहीं कैसे न कैसे रूप में आता जाता है. अगला क्वेश्चन से अपना द एडिबल ऑयल विथ इट्स क्विक ड्राइंग प्रॉपर्टीज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैंट फर्निश प्रिंटिंग इंक फॉर द फॉलोइंग क्रॉप. लिनसीड का जो ऑयल होता है उसका अपने पास पेंट वगैरह फर्निश के लिए यूज. जीरोफाइटिक वीट कौन सा है, जीरोफाइटिक यानी मरुस्थलीय खरपतवार कौन सा है, साइप्रस एरिया. अगला प्रश्न व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन की एफिशिएंसी 65 से 70 होती है सभी जानते हैं, और ड्रिप की होती है 85. ड्रिप की 70 से 85 होती है, नॉट अप टू 55 होती है. ठीक है. विच स्टेज द मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर डिफिशियट इन ग्राउंडनट. ग्राउंडनट में सबसे ज़्यादा वाटर सेंसिटिव या क्रिटिकल स्टेज कौन सी, फ्लावरिंग एंड पेकिंग फॉर्मेशन ग्राउंडनट में सबसे सेंसिटिव स्टेज है. अगला प्रश्न है टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस द टेस्ट वेट ऑफ वीट ग्रेन. अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान घटता है तो क्या टेस्ट वेट, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ता है तो क्या टेस्ट वेट में कमी होती है. दूसरा रिडक्शन इन टेस्ट वेट ऑफ वीट ग्रेन इज ड्यू टू हार्स्टन मैच्योरिटी. लेकिन मैं पहले के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरा इज करेक्ट राइट. जब जल्दी जल्दी मैच्योरिटी होती है, लास्ट के दिनों में ज़्यादा धूप पड़ती है तो वो मैच्योरिटी स्टेज ड्यूरेशन को फास्ट कर देता है, तो उसमें दाने छोटे रह जाते हैं. तो आपका पहला गलत है लेकिन दूसरा सही. अगला प्रश्न है अपना कि मैच द फॉलोइंग एक्शन लिस्ट ऑफ हर्बिसाइड एंड लिस्ट ऑफ सेकंड डिवीजन. सेल डिवीजन इसको तो पहले में ईपीएसपी इनहिबिटर ग्लाइफोसेट है इसका करेक्ट आंसर. सेल डिसरप्टेशन डाइनाइट्रोनिल्स है और एसईसीएस का एलएस का सल्फोसल्फ्यूरिन है. अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो एसईसीएस और एलएस दोनों ही काम करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एनटीए ने हटा दिया गया. अगला प्रश्न है मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग ग्रासेस. ग्रासेस होती है वो सबसे ज़्यादा इसको ट्रैप करती है एनर्जी को. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट इज नियर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वीट विथ हाई क्रॉप यील्ड. इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि एलिमिनेशन ऑफ वीट्स विथ द हाई क्रॉप यील्ड. अगला प्रश्न है अपना द फॉलोइंग आर प्रैक्टिसेस इन स्टेल बेड सीड बेड. स्टेल सीड बेड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की गई, इरीगेशन ऑफ द सीड बेड, कल्टिवेशन लेवलिंग एंड सीड प्रिपरेशन, सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, प्लोइंग, स्प्रे ऑफ द ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट. तो इसमें स्प्रे ऑफ ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट, नॉन सेलेक्टिव नॉन रेजिड्यूल हर्बिसाइड का यूज किया जाता है ताकि सारे खरपतवार मर जाए और क्रॉप पे उसका लॉन्गर इफेक्ट ना आए. अगला प्रश्न है अपना एरिडिटी इंडेक्स को आपको चेकआउट करना है. तो एरिडिटी इंडेक्स को आपको चेकआउट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ. ए में आंसर आएगा आपका थर्ड कि नॉन एरिड रीजन में 0 और लेस इंडेक्स वैल्यू आएगी, और बी में आएगा आपका 1 से 25 वैल्यू आएगी, और सी में आपका आएगा 26 से 50, और सीवियर ड्रॉट कंडीशन में आपकी इंडेक्स वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 50. ठीक है. अगला प्रश्न है अपना ये न्यूमेरिकल्स है. द ए वीट क्रॉप ग्रोन ऑन द 2 हेक्टेयर. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना दोस्तों.
2 हेक्टेयर एरिया प्रोड्यूस 10,000 ग्रैन रिक्वायर्ड इरिगेशन। हाँ यस, ये प्रश्न है अपना, इरगा किसको मेजर करता है। इरगा को अपन देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक रेट को मेजर करता है, ठीक है। पोरोमीटर किसको करता है, ट्रांसपिरेशन रेट को। ऑस्मोमीटर किसको करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। प्रेशर बॉम्ब किसको करता है, वाटर पोटेंशियल को। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट किस किस साइंटिस्ट ने दिया। तो पार्कर ने दिया था न्यूट्रिएंट इंडेक्स, इनवर्स यील्ड दिया था विलकॉक्स ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसने दिया था, परसेंट यील्ड कंसेप्ट ब्रे ने दिया था, ठीक है। तो सारे साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, द रेशो ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन सोइल डेप्थ ड्यूरिंग इरीगेशन टू द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेशनल एफिशेंसी। मतलब पानी और रूट जोन में जितना कलेक्ट हुआ और रिजर्वायर से जितना डाइवर्ट हुआ उसको ऑपरेशनल इरीगेशन एफिशेंसी बोलते हैं। पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक पीएच बिटवीन 5 और 6, 5 और 6 पीएच होता तब उसको पोटेशियम उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्चुअल इवपोट्रांसपिरेशन इक्वल मैक्सिमम E2 व्हेन, जब एक्चुअल ईटी है वो मैक्सिमम ईटी के बराबर होता किस सिचुएशन। सोयल मिक्सर नॉट कॉन्स्टेंट्स, अगर सोयल मिक्सर में कोई भी कॉन्स्टेंट ना हो, बाधा ना हो, तो आपका एक्चुअल ईटी और मैक्सिमम ईटी दोनों बराबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा डैम कहाँ कहाँ पे स्थित है। कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इडुकी बांध आपका केरल में स्थित है, गोविंद सागर आपका बिलासपुर जिले के हिमाचल प्रदेश में, हीराकुंड आपके ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना कि कैसी वैल्यू क्रॉप कोएफिशिएंट वैल्यू, अधिकतर सारी क्रॉप की 0.65 से 0.70 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ये कोई इसके करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अपना, वेयर इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का सबसे कोल्ड रीजन कौन सा, मेजोपोच। अब आपके पास ये क्वेश्चंस है और इसमें हमारा वीडियो भी बन चुका है ऑलरेडी, आप दूसरे वीडियो से इसका और भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में इन्होंने सीट रेट पूछी है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कि 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए एट 20 × 5 cm 1000 ग्रेन वेट 20% जर्मिनेशन एंड प्योरिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, पहले एरिया इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 × 100 ओवर स्पेसिंग इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज इंटू 1000 × 1000। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 10,000 अपने पास एरिया आ गया, इनटू टेस्ट वेट कितना आ गया अपने पास 20 आ गया, और अपने पास जो है वो 100 × 100। अब अपने पास स्पेसिंग कितनी आ गई, 20 × 5, ये सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए ऊपर अपने को मीटर है तो 2 बार 100 लग जाएगा, इनटू 90% जीपी और 100% जीपी इनटू 1000 × 1000। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, 1000, 2, 3, 6 सुपर कट गई, ये सुपर से कट गई, ये सुपर से कट गई, ये 20 से ये 20 कट गया, तो अब आपके पास बचा 10,000 × 5 × 9 × 9, ठीक है। तो आपका आंसर 22.2 आंसर आएगा। इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बना रखा, सीट रेट कैलकुलेशन, छोटे छोटे सारे तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आरबी साइड कैलकुलेशन हो, सीट रेट कैलकुलेशन हो, चाहे आपका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट का हो, वो सारे आप एक बार देखें तो आपको हो सकता है वहाँ से अच्छा ज़्यादा समझ आए। अगला प्रश्न है अपने पास, मीडियन इज द सेलेक्शन ऑफ सेंटर वैल्यू लोकेटेड इन द मीडियन, द सीरीज व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज मैग्नीट्यूड बट यूज ऑफ मेडिसिन इज नॉट सो पॉपुलर। मीडियन का यूज करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है नॉट पॉपुलर है, मीडियन डज नॉट एनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा भी नहीं है, तो दोनों ही गलत है ये, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, तो दोनों गलत है, इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को एंटी ने। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल नेम्स पूछा है सारे क्रॉप्स का, तो सबसे पहले ऑट का एविना सेटाइवा, बर्सिम का ट्राईफोलियम एलेगेंस ड्रीम, ल्यूसर्न का मेडिका को सेटाइवा,
और ग्वार का साइमोप्सिस टेट्रागोनल होगा। अगला प्रश्न पूछा है आईसीआर के अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितने। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन आईसीआर के अनुसार 20 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है क्योंकि इसमें क्या पूछा है, आर फॉर रेप्लिकेशन सेट ट्रीटमेंट कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर एस ई की कैलकुलेशन पूछी, जब सम ऑफ स्क्वायर इसमें 120 दिया तो टी वैल्यू भी चाहिए होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए, जो टेबल वैल्यू इसने नहीं दी इसलिए इस क्वेश्चन को हटा। अगला प्रश्न है यूज एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग INM मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट है। दूसरा, INM यूटिलाइज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर, दोनों सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत। इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू जीरो व्हाट डज इट मीन्स। यस, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है क्योंकि उसमें कोई भी साल्ट वाल्ट कुछ भी घुला हुआ नहीं रहता, तो ये सोल्यूट साल कंटेंट, ये विदाउट सोल्यूट्स, ये सारे गलत आंसर, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर राइट होता है। अगला प्रश्न है अपना द मेन एम ऑफ टॉपिंग एंड डी सकरिंग, टॉपिंग और डी सकरिंग ऑपरेशन टू डाइवर्ट द एनर्जी एंड न्यूट्रेंट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। यस राइट है, आप टॉपिंग और डी सकरिंग करते हो तो जो एनर्जी होती है वो पत्तियों से पूरे सॉरी फूलों से पत्तियों की ओर डाइवर्ट होती है। द एक्टिविटीज आर डन इन्फ्लुएंस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ टॉपिंग, दोनों राइट है। तो बोथ ए एंड आर इज द नॉट करेक्ट, नॉट इन्फ्लुएंस नहीं, इम्प्रूवड अगर आता है यहाँ पे तो राइट आता है, इम्प्रूवड, ठीक है। तो इसलिए ए इज द करेक्ट और आर इज द नॉट करेक्ट। अगला प्रश्न है क्लिनोस्टेट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ, क्लिनोस्टेट किस में करता है, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा है द अमाउंट ऑफ मिक्स्ड फर्टिलाइजर ग्रेड 12 32 16 यूरिया MOP रिक्वायर टू सप्लाई 100 kg NP2O5 और K2O। तो P2O5 की तो डोज किसे देनी बताया नहीं, ये ग्रेड का कोई मतलब नहीं है। और जब यूरिया 100 किलो देना है तो सीधी सी बात है 100 और 46 इंटू 100 या 2.17 से गुणा कर लो सीधा, 217 यहाँ कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी एंटी ने हटा दिया। अगला प्रश्न द सम द सन बिहेव एज ए ब्लैक बॉडी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सन एब्जॉर्ब बोथ ऑल एनर्जी रिसीव्ड एंड इन टर्न रेडियंट एनर्जी एट द मैक्सिमम रेट पॉसिबल फॉर गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों को आप करेक्ट इनकरेक्ट ना बोल सकते हो, तो इस क्वेश्चन को इसलिए आपने अपने इससे इसने एंटी हटा दिया गया। अगला प्रश्न इंटरकल्चर विद ब्लॉक्स और ट्रैक्टर मोस्टली परफॉर्म इन वाइडली क्रॉप ए सॉलिड ब्रॉडकास्ट क्रॉप वेयर इट इज यूजली प्रमोट इन, इन्होंने कहा कि जितने भी पंक्तियों में उगाई हुई फसलें हैं उसके अंदर बैलों के द्वारा आप या ट्रैक्टर के द्वारा आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी फसल भी है जिसके अंदर आप छिटकवा विधि से बोते हो या ब्रॉडकास्ट करके बोते हो फिर भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, डायरेक्ट सीडेड राइस जिसमें बिसेनिंग बोल सकते हो उसको, इसको घुमा के प्रश्न पूछा हुआ। अमंग द फॉलोइंग नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कौन कौन सा है, एनकैप्सुलेटेड कैल्शियम लैक कोटेड यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर कोटेड यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड इज द नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। अगला प्रश्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलाइन एल्कलाइन सॉइल इज एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज ग्रेटर देन 15 और अपना ए इज pH इज ग्रेटर देन 85 एंड ई सी इज ग्रेटर देन DB5, तो आपका आंसर आपका ACE राइट होगा। अगला प्रश्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट को ऐसी कौन सा जो एंटी ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग टाइप रेडिएशन कहलाता, तो रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एंटी ट्रांसपेरेंट, इसका आंसर आपको केवलिन आना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इसमें मोबिलिक दे रहा, देखिए इसको चेक करते हैं, चेक करना अपनी अपनी बुक में क्या आंसर आने की संभावना। रिसेंटली डेवलप्ड मिनरल सॉइल्स, रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल आ जाए वहाँ एंटी सोल बिना किसी हिचक के टिक कर देना। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द रिटेंशन ऑफ हीट इन द लोअर एटमोसफियर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन बाई क्लाउड सर्टेन गैसेज, राइट। The anthropogenic greenhouse gases is resulting the accumulation of trace gases in the air from human activities, right? दोनों सही है, तो बोथ आर स्टेटमेंट आर द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है अपना, मिर्चेलिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इज लॉग ए माइनस वाई लॉग ए माइनस सी बी स्क्वायर, ये मिर्चेलिक इक्वेशन है। अगला, ऑप्टिकल सेंसर यूज्ड फॉर रियल टाइम प्रिसीजन ऑफ नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, रियल टाइम एन मैनेजमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रीन सीकर का। ठीक है, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, रेड और नेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करके उसे चेकआउट करते हैं कि क्लोरोफिल कंटेंट कितना है। अगला, ड्यू टू लैक ऑफ मोबिलिटी द कॉम्पिटिशन बिटवीन क्रॉप एंड वीड इज एक्टिव बींग विजिबल इन द बींग, ए गुड कॉम्पिटेटर कुड बी द स्पीसीज विथ एटलीस्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट। दोनों स्टेटमेंट राइट, बहुत आर दे राइट। अगला क्वेश्चन अपना, निकिल इज एसेंशियल फंक्शन फॉर यूरिया एंजाइम, राइट है। अनदर इज द निकिल इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ए एंड आर करेक्ट, ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही। अगला प्रश्न, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज कैपिलरिटी, कैपिलरिटी थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। अगला प्रश्न है अपना, इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन द शिफ्टिंग साइकिल हैज बीन श्रंक टू अबाउट 5 ईयर और इवन बिलो 5 ईयर मेनली ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज हाई। आप इसको प्रत्येक 4-5 साल में इसको करते रहते हो चेंज, इसका मेन कारण क्या कि क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, भेड़ का डोमेस्टिकेशन कब से हुआ? 7700 BC से बिफोर क्राइस्ट। तो आपको एग्रीकल्चर की हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लीजिएगा अपने पास। अब ये प्रश्न आता है अपने आप, जो अभी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी से, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज कंजीनियल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट को बनाता है, अच्छा बनता है, लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट सॉइल स्ट्रक्चर करता है, पोरोसिटी करता है, पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिजल्ट इंक्रीजिंग द क्रस्ट एंड सरफेस सीलिंग डिक्रीज, नो गलत। ये कह रहा है भाई एग्रीकल्चर से क्रस्ट करता है क्या जमीन को, सरफेस सील करता है, डिक्रीज सॉइल वाटर, नहीं सारे गलत, सब इंक्रीज करता है। तो ये आपका आंसर आएगा थर्ड वाला राइट आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज गलत। ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायसेंट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, प्लांटे को ओवेटा का जो ड्रग्स होता है उसको कंस्टिपेशन और डायसेंट्री के पर्पज से यूज किया जाता है। IMD का जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट है वो जून टू सितंबर वो कब से कैलकुलेट करता हुआ आ रहा है? तो 1886 से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मानसून की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है अपना कि कौन सी कमेटी कब कब आई? तो 1920 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बना, 1942 के अंदर बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट बना, और 1953 में सेंट्रल सोइल कंजर्वेशन बोर्ड बना, 1972 में ICRISET इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, 11 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न अपना, सोडिक और एल्कलाइन सोइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या चूने से आपकी जो फसल है चूने से एसिड और सोडिक सोइल का आप सुधार कर सकते हो, फिर आपका रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट टू डिजायर्ड सॉइल, तो नहीं कर सकते गलत है, रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट टू डिजायर्ड लेवल इन द रूटिंग जोन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ द सेलाइन सॉइल, यस राइट। तो साल्ट को हटाना बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन चूने का कभी भी एल्कलाइन सॉइल के सुधार के लिए नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ए इज नॉट करेक्ट और आर इज द करेक्ट है। अगला प्रश्न अपना, इन केस ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड लेस ड्रॉपलेट साइज इज इफेक्टिव, फॉर पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बिगर ड्रॉपलेट साइज इज डिजायरेबल, राइट है, क्योंकि छोटी अवस्था में जो प्री इमरजेंस होता है उसको तो जमीन पे देना है, तो छोटी 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 बूंदों में देंगे बिल्कुल स्प्रे के रूप में, तो वो क्या करेगा अपने जमीन पे ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, और जब पत्ती वाले हर्बिसाइड्स पे दोगे बड़ी ड्रॉपलेट का दोगे तो वो पत्ती को मैक्सिमम कवर करेगा। अगला, मोर द साइज ऑफ ड्रॉपलेट लेस द चांस ऑफ हर्बिसाइड ड्रिफ्ट लेस हर्बिसाइड एक्टिविटीज, बोथ आर द ट्रू सेंटेंस। सिनोप्टिक वेदर फोरकास्ट आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज कॉम्प्लेक्स एटमोस्फियर इक्वेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द न्यूमेरिकल चार्ट्स,
इन स्टैटिस्टिकली वेदर फॉरकास्ट अप्रोच, ए फॉरकास्ट ट्राई टू कोरिलेट विथ वेदर एलिमेंट विथ अनदर, बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू। मतलब आप सिनोप्टिक वेदर फॉरकास्ट करते हो, बट इसको समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल पैरामीटर में बदलना पड़ता है, और जो वेदर फॉरकास्ट के अप्रोच है वो कोरिलेट वन अदर, एक दूसरे सारे जो मौसम के एलिमेंट है उनसे एक दूसरे से अटैच या कोरिलेट। अगला प्रश्न है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। पहला जो आपका है वो वर्टिकल स्ट्रिप प्लॉट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लॉट आर नेवर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट है। दूसरा, प्रिसीजन एसोसिएट विथ वर्टिकल फैक्टर इज सैक्रीफाइस्ड टू इम्प्रूव द प्रिसीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल फैक्टर, राइट है। द इंटरसेक्शन ऑफ प्लॉट इज स्मॉलर इन साइज, राइट है। तो आपका आंसर आएगा ए बी सी ओनली। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू स्प्रे हर्बिसाइड 2 हेक्टर लैंड इफ द 2 लीटर वाटर इज यूज इन स्वाथ ऑफ 1/4 and 50। तो आपका आंसर 50 × 1/4 यानी 70 m² के लिए आपको 2 लीटर पानी चाहिए, है ना। तो 1 लीटर के लिए 2/70, 10,000 m² के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 2 हेक्टर के लिए चाहिए, है ना। तो इसको 2 से और गुणा कर दीजिएगा 2000 को, तो 4000 × 7, 7×5 = 35, 571.4 आपका आंसर करेक्ट है। अर्थिंग अप इज द नीडेड इन शुगर कैन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम। फ्लैट बेड मेथड करते तब अर्थिंग अप की ज़्यादा जरूरत होती है, नहीं तो गन्ने नीचे गिर जाते हैं, जड़े ज़्यादा गहरी नहीं जाने की। अगला प्रश्न है अपना कि अंडर इंटर रो स्पेस द हार्वेस्टिंग फ्रॉप 30 से 40 cm डेप्थ ऑफ आर अल्टरनेट 10 cm, डेप्थ ऑफ 10 cm आर अल्टरनेट बाय रिज ऑफ 60 to 70 cm इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, क्ले कंटेंट सोइल्स रेंज फ्रॉम 30 to 80%, ब्लैक सोइल आर डेवलप्ड ऑन बेसाल्ट और एलिवेनी बेसाल्टिक रॉक, गलत करेक्ट है। ब्लैक सॉइल एलिवेशन और इलिवेशन प्रोसेस, राइट है। ब्लैक सॉइल इज हैव हाई बल्क डेंसिटी, राइट है। तो आपका आंसर एसीडी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हस्क ए ड्रग इज इकोनॉमिक पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। हस्क कौन से पौधे का है जो इकोनॉमिक पार्ट है, तो इसबगोल का। एंजाइम यूज फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चर टू लोअर प्रोटीन लेवल ऑफ ए फ्लावर इज, एमाइलेज एंजाइम सबसे ज़्यादा बिस्किट के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो प्रोटीन के कंटेंट को कम कर रखता है। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है, वाटर व्हाट विल बी द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी परसेंटेज। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है कि वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट माइनस वीड ड्राई मैटर इन ट्रीटेड प्लॉट ओवर वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट आर 100। तो आप यहाँ पे 361 − 190 / 361 × 100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये है कि 171 / 361 × 100, तो आपका आंसर आएगा 47.3। वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द सीजनल एक्चुअल एवपोर ट्रांसलेशन सीजनल। तो वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बराबर वाटर रिक्वायरमेंट माइनस एक्चुअल एवपोर ट्रांसलेशन ओवर वाटर रिक्वायरमेंट इंटू 100। अगला प्रश्न, C3 वीड एविना फेतवा फेलरिस माइनर चिनोपोडियम एल्बम आर जनरली मोर कॉम्पिटिटिव देन C4 एट हायर टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा, इन केस ऑफ वीड्स फोटोसिंथेसाइज ऑक्यूर्स वाइल केल्विन बेंसन साइकिल एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फास्फोरस फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA तो होता है इसका, C3 का होता है। तो ये आपका आंसर सेकंड वाला गलत है, ये गलत है और ये आपका राइट है। प्रश्न है अपना कि वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन, ये क्वेश्चन अपन ने पिछली बार कर लिया, रिपीट हो चुका है। सोविंग डेथ ऑफ मेज और वीट, वीट का ध्यान रखना 4 से 5 ज़्यादा नहीं आना चाहिए इसमें दे रखा, तो मेज का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा क्योंकि गेहूं के अंदर कोलियोप्टाइल लेंथ वेरी करती है। अगला प्रश्न है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड पेयर इन आरएनए, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए में कौन सा है, एडिनिन और यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में ही पाया जाता है, डीएनए में इसकी जगह पे दूसरा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है अपने पास कि हाउ मच एरिया इज इरीगेटेड बाई फ्लो रेट ऑफ 30 लीटर पर सेकेंड 10 आवर्स ए डे वेन इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ 100 डेज एंड ड्यूरेशन इज द 50। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर क्रॉप और 100 दिन की फसल है और 1 लीटर पानी 30 लीटर पानी पर सेकंड के हिसाब से दे रहे हैं, तो आपका पानी का इतना लीटर बनेगा और 3600 सेकंड ये लीटर आ जाएगा, और इसको हेक्टेयर मीटर में बदल लेंगे, और हेक्टेयर में बदलने के बाद आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास कि दी अमाउंट ऑफ बेसिलिन इज 45 PC एंड 50/40 रिकमेंडेशन ऑफ द फ्लो क्लोरेलिन। तो मैं इस दोस्तों इस सॉल्व क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है कॉमर्शियल डोज निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट डोज बटे वह परसेंट कंसंट्रेशन 45 इंटू 100 इंटू एरिया। ठीक है, तो आपका इसको अपन सोल्व करते हैं तो आपका अपना जो आंसर आता है वो आता है आपका 75/45 इंटू 1/200। ठीक है, तो 75/45 इंटू 200 ये आपका आंसर आएगा। तो इसके अनुसार कोई आंसर बैठ ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्योंकि 8 पॉइंट ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। अगला अपना इंटरक्रॉपिंग इज रीजन रिसीविंग 600 to 700 mm ऑफ रेनफॉल एंड हैवी इफेक्टिव ऑफ द ग्रोइंग सीजन इज द 120 to 20 डे। अगला प्रश्न है अपने पास पीरियोडिकली ए फिनोमिना कॉल्ड एज सदर्न ऑसिलेशन दैट इज ग्लोब स्केल ग्लोबल स्केल सी सा इन सरफेस प्रेशर विथ सेंटर ऑफ एक्शन नियर इंडोनेशिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया इज वन साइड एंड साउदर्न ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इज अदर साइड ऑकर्स व्हेन इट अदर अबव मेंशन नॉर्मल सिचुएशन ग्रेटली चेंजेस। प्रेशर राइजेज इन इंडोनेशियन रीजन एंड कंसिक्वेंटली द स्टेट, बोथ आर द गलत, बिकॉज ये प्रेशर राइज और इंक्रीज होता है वो पैसिफिक रीजन पर होता है एल नैनो और ला नैनो की वजह से। अगला प्रश्न है अपना कि इंडिकेटर्स और वेजिटेशन कंडीशन के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ये दो चीज़ ओवरलैप होने की वजह से इस क्वेश्चन को देखता हूँ मैं कि जो अपना जो आंसर है वो पहले का आंसर अपन मैं बताता हूँ कि फर्स्ट आंसर ए के अंदर आपका फोर्थ राइट है कि लेस देन 30 इंडिकेट्स मीन्स फॉरेस्ट वेजिटेशन है। बी के अंदर आपका थर्ड है पेरेरी वेजिटेशन के लिए 20 से 30, और सी के अंदर आपका सेकंड है ड्राई स्टीपी के लिए 10 to 20, और 5 से अधिक के लिए ट्रू डेजर्ट में आपको कैलकुलेट करता है। ये मार्टोन डी मार्टोनी का क्लासिफिकेशन है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा हर्बिसाइड कौन सी क्रॉप में करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है और इसके लिए ध्यान रखने की वाली चीज ये है कि आप टर्बोटराइन, ये देखिए आ गया, तो यहाँ तो ये तो आ गया मेज में। ग्लाइफोसेट का यूज आई थिंक मेरे हिसाब से चाय में करते हैं, टी में, और सी में फोर्थ है आपका राइस में क्यूजोलोफॉप इथाइल करते हैं, फिर सोयाबीन में एनिलोफॉस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। अगला प्रश्न है ए कॉमर्शियल बायो हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ सोरगम हाल्फेनिस को कौन सा कंट्रोल करता है। बायोपोलारिस होता है जो सोरगम हाल्फेनिस को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। अगला प्रश्न है मैक्रोस्पर्मा एंड माइक्रोस्पर्मा आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स। लेंटिल का, लेंटिल के अंदर मैक्रोस्पर्मा और माइक्रोस्पर्मा दोनों पाया जाता है। जिंक एसेंशियलिटी किस वैज्ञानिक ने दिया था 1926 में, तो जिंक एसेंशियलिटी एल सोमनर एंड लिपमैन ने दिया था। एसेंशियलिटी सारे पोषक तत्व की आप अच्छे से पढ़िएगा, हर बार आती है क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है अपना प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल सॉल्यूशन इज नाइट्रेट एंड एज अमोनियम फॉर्म, राइट। द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इज हेल्दी प्लांट रेंज बिटवीन 1 से 5% अपॉन द स्पेसिफिक और वेराइटी, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है अपना कि ब्रेक ऑफ मानसून एट क्रिटिकल स्टेज
फॉर सॉयल मॉइस्चर स्ट्रेस लेड टू रिडक्शन इन यील्ड। मानसून जाता है तो आपका यील्ड डिक्रीज होता, राइट है। ओनली व्हेन द ब्रेक ऑफ मानसून एक्सिस्ट 15 डेज ड्यूरेशन और मोर। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू एंड आर इज रॉन्ग। अगला, C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल वर्क्स एट थर्ड ग्रेना ऑफ मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है अपना, ए फिनोमिना इन डिग्रेडेशन प्रोसेस वेयर इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ हर्बिसाइड प्रो मोर फाइटोटॉक्सिक देन द प्रेजेंट कंपोनेंट। द आंसर इज द कंजुगेशन। इंटर मतलब वो हर्बिसाइड होता है जो मोर फाइटोटॉक्सिक होता है, उस पेरेंट कंपोनेंट को अपने अंदर डिग्रेड कर देता, कंजुगेट कर देता है, इसलिए इसको मींस ये एक डिग्रेड प्रोसेस है। अगला, इंडिया इज कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अबाउट 3000 किलोमीटर बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ 8.4 एंड 36.6। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड बोथ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज दिस द अर्थ करेक्ट। ये इंडिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लिया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और सिंपल याद रखने का है दोस्तों। देखिए अब वैरायटी का क्वेश्चन आता है, तो वैरायटी कौन सी क्रॉप की कौन सी वैरायटी है, तो चिकपी की वैरायटी है वो आईपीएम 0203 है, ठीक है। और लेंटिन की वैरायटी PU31 है, और उड़द बीन की वैरायटी है वो LD3 में आपका GNG चने की रोटी। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है आंसर की के अनुसार। चिकपी की वैरायटी है वो GNG है, PU31 है जो उड़द की वैरायटी है, और लेंटिन की वैरायटी है वो LP L41 है, और मूंग बीन की वैरायटी वो IPM203 है। तो मैं आपको फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ, GNG469 ये आंसर की को सही ना माने। लेंटिन की है वो L4147, उड़द की PU31, मूंगबीन की IPM 0203। अगला प्रश्न है अपना, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मेन्यूर क्रॉप रेजिड्यू इंक्रीज पी यूज इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग पी फिक्सेशन इन सोइल्स। डिक्रीज इन पी फिक्सेशन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो मे बी सब्सक्राइब्स। पहला राइट है बट दूसरा राइट नहीं है आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन है, सुक्रोज है, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसेबल स्लोप परसेंट ऑफ फ्रो इरीगेशन शॉर्ट नियर हॉरिजेंटल फ्रो इज 0.5% से ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका इरीगेशन अच्छे से। अगला प्रश्न है अपना, द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अपीयर स्टेशनरी टू अर्थ एंड कैन व्यू द सेम एरिया ऑन द अर्थ कंटिन्यूटली। द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द पॉपुलर प्लेन ऑफ अर्थ 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। बोथ ए आर देन करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है जो अपने क्वेश्चन आता है कि इसको लिस्ट करना है या यूनिट है, या यूनिट से किसको क्या लिस्ट करना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो यूनिट होती है वो परसेंटेज होती है, टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड होती है, क्लाउड कवर की ऑक्टा होती है, विंड स्पीड की किलोमीटर पर आवर होती है। अगला आपको पूछा है कि पहले और दूसरे में कौन मैच कर रहा है, तो सल्फर के लिए मोटल्ड लीव्स ग्रीन लीव्स विथ येलोइश वेन अपीयर ऑन यंगर लीव्स, फास्फोरस के लिए जो है अपना रेडिश कलर ऑन ग्रीन लीव्स ऑन स्टेम अपीयरिंग ऑन ओल्डर लीव्स, और फिर आपका नाइट्रोजन के लिए क्लोरोसिस स्टार्ट्स फ्रॉम लीव टिप अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स, बोरोन के लिए है आपका यंगेस्ट लीफ इज ब्राउनिश और डेड, स्पेशली बीट क्रॉप के अंदर आपका होता है।